नहीं देखो अगे किवें चलदी है गल। अच्छा चर्चा चल रही है कि जिहड़े इह कानून हैगे ने इह सूबियां दे उत्ते छड्ड दित्ते जाणगे कि तुसीं लागू। अगर वो आता प्रपोजल उस पर हम डिस्कस करेंगे फिर फाइनल। पर जे ओह लाउंदे हैगे ने तां हरियाणा दे विच बीजेपी दी सरकार हैगी है। ओह भी नहीं, वी वोंट एक्सेप्ट दैट, बट व्हाट दे कम क्या वो लेके आते हैं उस पर डिसाइड करेंगे हम अपनी मीटिंग करके। इसलिए ओह प्रपोजल एक्सपेक्ट नहीं कीता जाऊगा ऐसी सारे लोग डिसाइड ऑल विल बी डिसाइड। मुखी जो है वो मिले हैं और वो कह रहे कि हां वो नानक सर के मुखी अगर मिले हैं उसकी फोटो हमने देखी है तो उससे क्या होगा। मीडिएशन करना चाहते हैं सर, कल की ट्रैक्टर रैली से सरकार नरम पड़ेगी। नहीं है सर। तो आप सुन रहे हैं ये डॉक्टर दर्शन पाल थे जो जिस तरीके से अपनी बात कह रहे हैं और दर्शन पाल बता रहे हैं कि किस तरीके से कल की मीटिंग को लेकर वो बहुत ज़्यादा आज की मीटिंग को लेकर वो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं। देखो जी चर्चा के बिलों के ही रिपील किए जाकर ही अड़ी हुई है कि इनू वापस उन्हें सौदा करा लो, पर अपना यह भी सौदा का हल नहीं है। किसानी को बचाने लिए बिल रद्द किए जाए। वेखियो जी असी कोई भी चोलिया नहीं पा पाना, ना ही सानू लोड़ है बाबा लखा सिंह दी। बाबा बलदेव जी, बलदेव जिस तरीके से आज बैठक होनी है लगता है कि कुछ ना कुछ सीटें निकल पाएगा। देखिए ये तो सरकार की मुट्ठी में क्या निकालते हैं लेकिन मुश्किल लगता है। सर आज क्या उम्मीद कर रहे हो मीटिंग? कोई उम्मीद नहीं कर रहे जी, लंबिया हो चुकी उम्मीदा वास्ते। अज साडी अठवीं मीटिंग आ तो उम्मीद नहीं असी कोई करते सरकार को। असी ये दसना चाहते भी उन्हें मन जाना चाहिए तो मंगा जायज आ, किसान जोड़े अपने कानून उन्होंने वापस लेना चाहिए। अच्छा जो नानक सर के मुखी मुलाकात करी है उन्होंने वो कह लखेवाल जी और वो कह रहे जी वो मध्यस्थता कर सकते? नहीं उसका हम नहीं को कर सकते। वो मेरे हमरानगी वाली बात है, किसान जथेबंदियों के साथ उनकी कोई बात नहीं हुई कि मीटिंग हम करने जाएंगे नहीं करने जाएंगे। आप वो वैसे मालूम नहीं कैसे पड़ा कि वो अपने कृषि मंत्री ना मीटिंग करके गए, मेरे कोई ध्यान में नहीं है। अच्छा ऐसी जो खबरें आ रही हैं कि सरकार प्रपोजल दे कि स्टेट के ऊपर छोड़ देते हैं जी वो लागू करे ना करे कानून, ऐसे बात बन जाएगी? हम पहले भी बोला है कि पहले अपने कानून वापस लो उसके बाद स्टेट पे छोड़ दें, जिहड़ी स्टेट चाहे वो कानून ले लें दूसरी को नहीं दें। इसी कानून को छोड़ने से बात नहीं बनेगी स्टेट में? नहीं ऐसा नहीं छोड़ देंगे, पहले इसको सरकार वापस ले। उम्मीद तो देखो आपको भी पता है कि सरकार अपनी पटारी से क्या निकालती है। हमने तो पिछली बार उनको स्पष्ट कह दिया था कि हम तीनों खेती कानून रद्द कराएंगे। मंत्री जी ने ये भी पूछ लिया कि क्या आप रद्द ही कराने से बगैर और कुछ नहीं? हमने कह दिया भाई नहीं। तो आज उन्होंने बताना है, क्या बताते हैं? देखिए कल तो हमने एक ट्रेलर दिखाया, जेकर मांगे नहीं माना सरकार मानती तो आगे देखिए क्या होता है। सर लेकिन तो किसान नेताओं को आप सुन रहे हैं जो जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं और बता रहे हैं कि कोई नया प्रपोजल उन्हें स्वीकार नहीं होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर प्रपोजल आता है तो वो उस पर बातचीत के लिए तैयार हैं, ये बात उन्होंने कही है। कुछ और किसान नेताओं से बात करेंगे, जंगवीर जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आज किसान क्या कुछ कहने जा रहे हैं, क्या कुछ करने जा रहे हैं। ये बातचीत जो है इसे आज की बातचीत क्या किसी सिरे पहुँचेगी ये देखना होगा। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से बड़ी भीड़ यहाँ पर है और किसान नेता पहुँचे हैं, वो हालांकि नए प्रपोजल को लेकर वो फिलहाल कोई सहमत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि यहाँ से कोई रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा ये देखने वाली बात रहेगी। और हम लगातार कुछ और किसान नेताओं से बात करने की कोशिश करते हैं। सर आज की मीटिंग से कोई उम्मीद कर रहे हो? हम उम्मीद तो सदा लेकर आते हैं, ये तो सरकार की मर्जी है क्या उम्मीद पूरी करनी या नहीं, पर हम समझते हैं कि एक दो मीटिंग और होगी। अच्छा ये जो बात आ रही है कि सरकार ऐसा प्रपोजल दे कि इसे स्टेट सब्जेक्ट बना देते हैं, स्टेट पे छोड़ दें उसे लागू करना या नहीं करना? अभी प्रपोजल आए तो ऐसे ही फिर बेचारेंगे, प्रपोजल अभी आई नहीं हमारे पास। नहीं अगर ऐसी बात होती है तो रास्ता निकल सकता है? एफ वर्ड तो कोई डिसीजन नहीं होता, अगर प्रपोजल आएगी तो तब बेचारेंगे ना, प्रपोजल अभी तक हमारे पास नहीं आई। अच्छा एक वो नानक सर के मुखी हैं, उन्होंने मुलाकात की है, मीडिएशन की उन्होंने मीडिएटर के लिए उन्होंने बोला कि हम किसी मीडिएटर को कबूल नहीं करते। हाँ। हम बायलेटर बात करते हैं, सरकार से सीधी करेंगे, किसी बिचौलिए की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा 4 तारीख से सर 8 तारीख तक कोई आपको डेवलपमेंट दिख रही है इस पूरे मामले में? कल डेवलपमेंट आपने देखा नहीं? नहीं किसानों की तरफ से बातचीत को लेकर कह रहा हूँ। बातचीत प्रेशर के बिना बातचीत कौन करता है? कल का प्रेशर काम करेगा, कल का प्रेशर काम करेगा।
तो आज अगर हम अंदर जाएंगे तो पहले एमएसपी पर चर्चा होगी या सीधा कानून पर ही बात करेंगे? पहले कानून पर होगी, एमएसपी पर भी बात करेंगे, बात तोड़ेंगे नहीं, पर शुरू कानूनों से करेंगे, कानून से ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक किसान आगू हैं जिन्हें आप सुन रहे हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं, और हम लगातार किसान नेताओं से और बात करने की कोशिश। जंगवीर जी क्यों उम्मीद कर रहे हो सर? हाँ देखो, उम्मीद तो कोई बाली है नहीं गी, अगे उम्मीदा लेके जाइए, अच्छ कोई बाली उम्मीद है नहीं गी। सरकार जे तो इनू गंभीरता के नाल मुद्दे ले लेंदी आ तो ठीक है। अज देखो अंदर जाके की रुख हों सरकार के नुमाइंदा का, मंत्रियों का की रुख हों, मंत्री की कहेंदे आ, क्योंकि साढ़े तो मसला तुम्हें पता एक ही अपील कराने का मसला है। पर असी अपन इस तरह तैयारियां साढ़िया जारी आ, असी तो कल ट्रायल ले लिया आ गणतंत्र दिवस मना का, तो वह ट्रायल असी चंगी तरह ग्रीसा ग्रूसा ट्रैक्टर को कर लिया आ, तेल तूल चैक कर लाया। सरकार मन जाए तो बहुत वधिया आ, मैं कहना आ सरकार की भी बनी बनाई रह जूगी, तो किसानों की भी बनी बनाई रह जूगी, सरकार को भी फायदा हो जूगा। वो एक अड़ियल वतीरा छड के सरकार नूं मन जाना चाहिए, रिपील जड़े आ जड़े बेले आ रिपील कर देने चाहिए। ये जो बात हो रही है कि ऐसा कोई प्रपोजल आए कि इसे स्टेट सब्जेक्ट बना दिया जाए, स्टेट को लागू करना है या नहीं करना है उस पर छोड़ दिया जाए, ये रास्ता निकल सकता है क्या? देखो केंद्र ने पहले तो इसको लागू कर दिया, जड़ा केंद्र है इन्हें पहले तो लागू कर दिता आ, ये पहला इनू रद्द करे, है तो पहला ही स्टेट का सबजैक्ट आ, केंद्र का तो सबजैक्ट ही है नहीं गा। इन्होंने इंटरफेयर करके ये कानून लागू करके हुण स्टेट के उपर छड़ देने की गल करते, मेरे हिसाब नाल तो बिल्कुल सानू नहीं मंजूर होगा। ये पहला बिल रद्द करन तो बाद फिर दोबारा ये फैसला होगा जी। अच्छा, ये जो एक मुखी जो है उन्होंने मुलाकात की है लखा सिंह जी, नानक सर के जो मुखी हैं, वो अगर मेडिएशन की या मेडिएटर की भूमिका निभाने की अगर वो बात कर रहे हैं, ये कोई आपको लग रहा है पॉजिटिव स्टेप होगा? बिल्कुल जी बिल्कुल, जे लखा सिंह बाबा जी ने कोई गल करनी चाहिए आ, हो सकता कि वह मीडिएटर बन के उ सरकार मना सकन कि इन्होंने बिलों को रिपील किया जाए, जो ये काम करवा दें तो असं बहुत धनवादी हाँ बाबा लखा सिंह जी देकर। लेकिन बीच का रास्ता तो फिर कोई है नहीं, मेडिएशन का फायदा क्या? रास्ता तो है नहीं जी, कोई भी बीच का रास्ता तो कोई निकलता नहीं गा, रास्ता तो बेच रिपील करने के अलावा और कोई रास्ता ही है नहीं गा। अगर सरकार इसको स्टेट सब्जेक्ट बना दे तो आपका जो कंसर्न है, जो चिंताएं हैं, वो दूर नहीं हो रही हैं क्या? वो तो अंदर जाके बात करते हैं, क्या बात है, कोई स्टेट का सब्जेक्ट है कि क्या है, वो तो अंदर जाके बैठ के इसको समझेंगे आज कि क्या है क्या नहीं, फिर फैसला करेंगे समूह किसान जथेबंदी। उम्मीद कर रहे हो आज की मीटिंग से? हाँ देखते हैं, उम्मीद तो होनी चाहिए, सरकार एक मिनट लगा कर इसको रिपील कर दे कोई बात नहीं। जंगवीर सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद थे, जो अपनी बात कह रहे थे, और कुछ और किसान नेताओं से ही बात करेंगे और इस पूरे विषय को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विषय पर और किसान नेता और किसान आगू क्या कुछ कहते हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे, और लगातार हम इस मामले पर बात कर रहे हैं। सर आज की उम्मीद कर रहे हो? उम्मीद तो अठवें गेड़ा सत गेड़ा के पहला उम्मीद लेके आए हैं, तो साढ़े प्रधान का तो यह है भी जे तुम साडा टाइम बर्बाद करना है बारी बारी मीटिंगा दे विच, उही गल फिर लैके आनी पुरानी भी कानूनां दी नहीं रद्द होने, तो अज सानूं बुलाया स्पैशल MSP ते, जे MSP दा जिहड़ा कानूनी रूप देना है उहदी प्रक्रिया की होए, प्रोसीजर की होवे, जदों इहदे गल होऊगी तां गल्लां गाहां तुरूगी, जे उही फिर मुड़ के सोधां ते होऊ तां साडे प्रधान दा इह हैगा इहदी साडी आप दी जथेबंदी रहि आ, बाकी तां असीं 32 जथेबंदियां दा असीं फैसला मन्नांगे, संयुक्त मोर्चे दा भी एवें टाइम बर्बाद करन दा कोई फायदा नहीं। 26 दी तैयारी लई पिंडा जावे 10 गुणा जो ट्रैक्टर जो असं वो पंजाब हरियाणे होर स्टेट तो लेके आवेंगे ताकि जो पता लग जाए, कल ट्रेलर दिखाता अभी। अच्छा, अगर सरकार है प्रपोजल दे कि इनू स्टेट सब्जेक्ट बना दिए, सिर्फ स्टेट है वो जी मर्जी वो लागू करे, इस पर बात बनेगी? देखो जी, जे इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट मन के स्टेट लिस्ट है ये मनती है भी असं सूबे अधिकार दे, पहला जो इन्होंने उन्होंने तो खोया अधिकार खो के कानून बनाया, इन कानून रद्द कर देन, जिहड़े लोड़ तरीके नाल मर्जी पार्लीमेंट राही रद्द कर देन, भावें सुप्रीम कोर्ट राही रद्द करा देन, इहनू रद्द कर देन। जो कानून बनाउण तों पहला वाली पोजीशन सीगी, वह पोजीशन वाली जून 5 जून नूं लैके आया, वह पोजीशन आ जाण, वह पोजीशन बहाल हो जाए, उस तों बाद ठीक है सूबे नूं जिहड़े नूं इह कह देन भी सानूं भाई पावरां हैगियां ने, जे कोई सूबा बनाऊगा आपे उत्थों वाले सूबे वाले लोग उहदे नाल नजिठणगे भी बनाउण देणा कि ना देणा, जां कि उहनां नूं किसानां नूं मर्जी तों बिना बनाउणा जां नहीं बनाउणा। इह इक वारी सेंटर है जिहड़ा हुण उह की कह रहे आ भी कानून रहूगा, असी किसी नूं जिहड़ा सूबा नहीं लागू करना चाहुंदा असी उहनूं फोर्सफुली जां बल राही उत्थे लागू नहीं करवावांगे, कहण दा भाव कानून नहीं खत्म कर रहे, बनता जे फिर सच कोई मेरे हिसाब नाल मसला हल हो जाए भी ये कानून नूं इह इक वारी रिपील कर देन, उस तों बाद सूबे नूं छड्ड देन
भी लै पाई भी जिहड़ा सूबे दे लोग जां किसान जां सरकार चाहुंदी उह बना ले, पहला यह खत्म करे, इन जे खत्म नहीं करते फिर वह सूबे नूं अधिकार देने वाली गल बनौटी गल है। डेरा नानक सर दे मुखी है लखा सिंह, उन्होंने मुलाकात की है, कोई हैल्प होगी उस तों? वेखो जी उहदे बारे बहुता नहीं कुछ असीं कहना, चलो आपदे आप धार्मिक मुखी है, पर जे हिस्टरी है जिहड़ी आपां हिस्टरी फरोलगे तो उहदे आपां में नील असीं गल करदे कंट्रोवर्सी की। वेखो तीन कानून रद्द, एम एस पी के कानून, चाहे कोई बाबा लखा सिंह आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, जे होंदे आ तां ठीक है वैल एंड गुड, तो जे नहीं होंगे फिर चाहे कोई संत महात्मा जो भी कोई भी आ जाए ये नहीं गल होगी। अच्छा एक गल दसो, अगर स्टेट सब्जेक्ट बना दे गवर्नमेंट तो आपका जो डाउट है आपका जो कंसर्न है वो दूर नहीं हो जाएगा, चिंता आपकी कम नहीं हो जाएगी? स्टेट सब्जेक्ट का पहले संविधान मुताबक जो स्टेट सब्जेक्ट है उन्होंने 1954 के बिच एक इनू स्टेट लिस्ट चो कढ के सिर्फ वो जिहड़ी है फूड है स्टफ फूड स्टफ दे एक टर्म लेके इनू जिहड़ी कनकरेंट लिस्ट है सामवर्ती लिस्ट है वो चलाया जाता सीगा, पर उहदे मुताबक भी यह कनकरेंट लिस्ट मुताबक भी यह कानून नहीं बनता क्योंकि जिहड़ी यह कणक ते झोना यह फूड स्टफ च नहीं आता, जिहड़ा आटा जां चावल आ वह फूड स्टफ च आ जाता, इस करके वह जिहड़ा 1954 वाली इन्हां ने कनकरेंट लिस्ट च लिया सी फूड स्टफ के तौर पर एक उहदे मुताबक भी यह स्टेट लिस्ट च ही रहिंदा। जे स्टेट लिस्ट नूं मनदे आ इह सूबिआं दे अधिकार नूं मनदे आ तां इन्हां नूं मनना चाहीदा भी इह असीं गलत बनाया रद्द करदे आ असीं, उदू बाद स्टेटा दे देन पावर। उम्मीद की कर रहे हो फिर अज्ज वाली उम्मीद तो जी सानू वेखो अज्ज जिहड़ा तोमर का बयान है तोमर साहब का पंजाबी ट्रिब्यून दे विच उहदे विच उन्होंने साफ ही कहा भी कानूनों नू रिपील जां रद्द कराउण तो छुट, छुट का मतलब इहनू छड्ड दिओ गल नू, उदू बिना जो मर्जी ले लो बस, कहने का भाव वह रिपील जां रद्द करन ते सरकार का इरादा नहीं, यही इस मुद्दे घोल का मोर्चे का मेन मुद्दा हैगा। सो इस करके सानू लगता भी अज्ज भी जिहड़ी गलबात है ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੂਗੀ। ਅੰਦਰ ਐਮਐਸਪੀ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਪੀਲ ਤੇ? ਐਮਐਸਪੀ ਰਪੀਲ ਤੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਿਬੇੜਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਪੀਲ ਰਪੀਲ ਰਪੀਲ, ਤੇ ਐਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, उन्होंने पर जी गलबात करेंगे कानून लियाने वाली गलते नहीं करेंगे, वो कहेंगे भी एम एस पी बनाने के नाल कानूनी गरंटी करना सरकार को की मुश्किल आनगियां किहड़ियां वित्तीय मुश्किल होनगियां 17 लाख करोड़ का असी जिहड़ा कितों जनरेट करांगे, उन्होंने इह जिहियां गल्लां रखणगियां। इस करके साडे हिसाब नाल उन्होंने एम एस पी वाला विश्वास है भी हाँ असी इन्ने चर्च कानून बना देंगे, वो भी विश्वास नहीं देना उन्होंने, सो इस करके बेसट्टा रहूगी जी। तो ये देखिए ये किसान नेता बता रहे हैं कि क्या कुछ उन्हें उम्मीद है या क्या कुछ वो सोच रहे हैं। प्रेम सिंह जी से हम बात करेंगे और समझेंगे इस पूरे विषय को और किस तरीके से ये जो पूरा मामला है ये कहां तक पहुंचा है, और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से किसान भवन के भीतर और बाहर की हलचल इस वक्त आप अपने कैमरे में अपनी तस्वीरों में इस वक्त आप तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की उम्मीद आप इस वक्त कर रहे हैं, और हम लगातार एक एक किसान आगू से बात कर रहे हैं क्या सरकार नया प्रपोजल देगी, और अगर प्रपोजल देगी तो क्या उस पर बात होगी, क्या कुछ होगा ये देखना है, क्योंकि 26 जनवरी को लेकर किसान कह रहे हैं कि वो दिल्ली में प्रवेश करेंगे। अगर किसान नेता दिल्ली में प्रवेश करेंगे तो फिर होगा क्या, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। क्या उससे पहले मामले को सुलझाने की दिशा में सरकार बढ़ रही है, क्या कोई मध्यस्थता इसमें हो सकती है, तो इस लिहाज से ये जो मामला है ये क्योंकि 1.5 महीना बीत गया रास्ता नहीं निकला, इसलिए सवाल बहुत सारे इसमें उठ रहे हैं, और यही हम आज समझना चाहते हैं कि क्या कुछ आज होगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किसान किस तरह से अंदर बात कर रहे हैं, किसान अभी थोड़ी देर में अंदर जाएंगे बात करेंगे। आपको बता दें कि जो पंजाब के किसान हैं जो और दूसरी किसान जत्थेबंदियां हैं वो सभी यहां पर पहुंचे हुए हैं, वो सभी अभी कुछ देर में अपनी बात रखने वाले हैं, तो हम लगातार कुछ और किसान नेताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ बात अंदर होने वाली है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि सरकार अभी अंदर सरकार से अभी अंदर बात होगी, वही सरकार के 3 मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और मंत्री सोम प्रकाश के साथ अंदर सरकार बात करने जा रही है। और हम अभी प्रेम सिंह भंगू हमारे साथ कुल किसान फेडरेशन के वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे
उनसे बात करके इस पूरे विषय को और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं धीरे धीरे किसान नेता अंदर जाने शुरू हो गए हैं। प्रेम सिंह भंगू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम सिंह जी, अब जो बातचीत होने जा रही है, लास्ट बातचीत में आप लोग उठे थे ये कहकर कि हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे, आज क्या उम्मीद करते? आज भी वही उम्मीद है कि लास्ट में जब उठे थे, जब हमको कहा था कि आप पहले दृढ़ निश्चय से ये बात बताओ कि आप रिपील ही चाहते हो कोई और चीज़ चाहते हो, तो हमने कहा बड़ी गेड़ की मीटिंग हुई है, 7-8 गेड़ की होगी, उसमें आपको बता दिया हमने कि हम तो रिपील ही चाहते हैं। रिपील का आर्गूमेंट भी हमने दे दिया, स्पष्ट है। वो ऐसा नहीं कि हमको हवा में कहते हैं रिपील करो, कोई हम अनएजुकेटेड है, हमको पता नहीं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है, हमने एक्ट्स भी वर्ल्ड वाइड कर लिया, डिस्कशन भी कर ली 6-6, 7-7 घंटे, उसमें बता भी दिया कि आप एक्ट बना नहीं सकते और एक्ट में ये वीकनेसेस हैं। अगर सरकार उसे इंप्रेशन लेती है अमेंडमेंट चाहते हैं, तो सरकार का ये मेरा ख्याल है समझना गलत है, दिस इज फॉल्टी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए से हम कहते हैं इसको कि आप जब हमने स्पष्ट कर ही दिया पिछली मीटिंग के अंदर, आप प्रपोजल लेकर के हो, आज क्यों टाइम वेस्ट करते हो, हमारा भी और अपना भी टाइम वेस्ट करते हो बार बार, जब मुद्दा ही एक है। अब तो उसकी मॉडलिटीज तय करनी है कि पार्लियामेंट के बनाए कानून सरकार कैसे रद्द करती है उनको, आया सुप्रीम कोर्ट जाती है या पार्लियामेंट ही रद्द करती है। हमने तो स्पष्ट दे भी दिया था कि पार्लियामेंट जब कानून बनाती है तो उस कानून को पार्लियामेंट ही रद्द करती है, ना तो हम रद्द कर सकते हैं, ना ही किसी सरकार की कमेटी को अधिकार है। इसलिए मॉडलिटीज बनाओ, आप टाइम ना वेस्ट करो। इसके लिए सरकार को पिछली मीटिंग में स्पष्ट हुई, इसलिए मीटिंग बुलाई है ना, एक दो रोज का समय था। अगर तो सरकार की मर्जी ना हो ना, तो बड़ा समय रख देते या डेडलॉक हो जाता। डेडलॉक नहीं हुआ, हम डेडलॉक चाहते भी नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि अब बातचीत का क्या फ़ायदा है, कभी भी कोई सलूशन निकलेगा तो हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हम तो कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं, कोर्ट में भी आर्गूमेंट करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं, दोनों तरफ से आर्गूमेंट आता है तो उसी से सलूशन निकलता है। इसलिए बार बार मीट कर रहे हैं, बार बार मीट कर रहे हैं, तो सरकार को बार बार कन्विंस करा रहे हैं कि आपके कानून गलत हैं, लोग इनको नहीं मानते, जिनके लिए बनाया अगर वो मानते नहीं, आप उस पर इम्पोज क्यों करते हो। तो आज की मीटिंग में हम देखते हैं कि सरकार को एडवांस करने दो, वो प्रपोजल लेकर के आए, हम कैसे अपील करते हैं और MSP का कानून कैसे बनाते हैं, तो उसको हम देख लेंगे। आज कर देंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगली मीटिंग में ही होगा, एक दिन करना होगा, पर सरकार को एक दिन इनको अपील करना होगा, नहीं तो देश के अंदर बहुत भयानक तूफान खड़ा होने वाला है, देश के अंदर बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है। ये एक एक एक, एक खबर जो आ रही है सर, कि सरकार ऐसा कोई प्रपोजल दे सकती है कि इसे स्टेट सब्जेक्ट बना दिया जाए, स्टेट अगर लागू करना चाहे इस कानून को तो करें, वरना ना करें, इस पर कोई बात बन सकती है? ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, ये गलत है, क्योंकि जो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको सरकार, केंद्र सरकार स्टेट्स का जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर पर कानून बढ़ा ही नहीं सकती। अगर हम कह दें कि आप कानून रखो और स्टेट्स को अधिकार दे तो स्टेट्स में तो कोई स्टेट आज लागू कोई नहीं करेगी, कोई अगले साल कर देगी, या ऐसे वो लागू हो जाएगा। और देश के अंदर हमको पता है अब BJP की सरकार है, BJP और NDA की बहुत सारी स्टेट्स में उन्हीं का राज है, तो इसलिए कानून तो लागू हो गया। जिस स्टेट्स में है भी नहीं तो वो भी सेंट्रल एक्ट को सूनर और लेटर उसको लागू कर देंगे, कोई सेंटर का डंडा होता है उस पर। इसलिए हम नहीं मानते इसको, ये गलत है। अगर कानून रहेगा तो देर सवेर लागू जरूर होगा, आज डेफर कर देंगे फिर लागू कर देंगे। इसलिए हम तो चाहते हैं कि एजिटेशन चल रही है, बहुत बड़ा एजिटेशन है, सारा देश हमारे पीछे है, लोग पीछे हैं, विदेश हमारे पीछे हैं, आज हम पीछे नहीं हटेंगे, रिपील करा के जाएंगे, ये बीमारी को पक्के तौर पर खत्म करना है, इसको रखना नहीं। ऐसी दोबारा लड़े, ये प्रपोजल अगर आई तो आप रिजेक्ट कर दें? रिजेक्ट हम पहले ही रिजेक्ट करते हैं, इसको प्रपोजल आए ये पहले ही रिजेक्टेड है, इस पर हम कोई नहीं मानेंगे। हम तो मानेंगे जब सरकार पार्लियामेंट का सेशन लगाए, रिपील करके यहाँ पे ले आई के रिपील कर दिए हैं, तो आंदोलन वापस होगा, नहीं जाएंगे नहीं। ये लोग जो बैठे हैं ना, ये लीडरशिप को जाने नहीं देंगे पीछे, बहुत बहुत आगे बढ़े हुए हैं लोग हमारे से, बच्चे और तो नौजवान, वो नहीं जाएंगे, वो तो रिपील करके जाएंगे। ये भी नहीं कहते कि हम कि आप कोई ऐसा इंटर्म ऑर्डर ले लो कि सरकार रिपील कर देगी, ऐसा नहीं है। ऑर्डर ले करके रिपील करा के फिर ही पीछे उठेंगे, ऐसे जाएंगे नहीं। ऐसा आंदोलन ना हुआ और ना नियर फ्यूचर में होगा, इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन, इतनी मेहनत से, इतने निश्चय से लोग आए हुए हैं, उनके हौसले बहुत बुलंद हैं, इसलिए तो उनको लेकर के ही जो लीडरशिप फर्म है और आगे बढ़ रही है। और सरकार को भी आप देखो, चाहे सरकार 2 मीटिंग और करे, 4 करे, 26 जनवरी आज उसके बाद करे, पर सरकार को रिपील करने ही पड़ेंगे। सरकार को पता चल गया, एक प्रेस्टीज ईगो बना हुआ है और कुछ भी नहीं है, ईगो बना हुआ है, वो ईगो टूट जाएगा। अगर लोग हैं,
लोग बड़ी संख्या में खिलाफ है तो ईगो का क्या मतलब है, प्रेस्टीज का क्या मतलब है, छोड़ दो उसको। बहुत सारे कानून बने लोगों के खिलाफ, लोग नहीं मानते थे, लोगों का भला नहीं था, वो रिपील हो गए। बहुत सरकारों ने किया, इन्होंने भी सरकारों ने किया, मंत्री साहब ने हमको मीटिंग में पिछली में बोला कि ऐसा कोई नहीं है कि कानून बने रिपील नहीं हुए, कानून बनाए रिपील हो गए। तो इसलिए अभी भी हम समझते हैं कि शायद ये चंगा कानून हो, पर लोगों को पता चल गया चंगा नहीं है। खेती बाड़ी की बर्बादी का कानून है, किसानों के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ है, देशवासियों के खिलाफ है, इसको रिपील करो, और कोई अल्टरनेटिव नहीं, हम इसी पर अड़े हुए हैं। धन्यवाद। अच्छा एक लास्ट सवाल सर, एक डेरा नानक सर के मुखी ने मुलाकात की है, मीडिएशन या मीडिएटर की वो भूमिका निभाएं, इस पर बात बनेगी क्या? देखो एक तो हम उनका पता नहीं, हम वैसे ही कह दें उनके एक बुजुर्ग जो संत हैं हमारे पंजाब से, हम उनके खिलाफ कोई चीज़ कह दें, हमको पता नहीं, हमारे इसको अप्रोच नहीं किया। हमने मीडिया में सुना कि सरकार से कोई मीटिंग की है, पता चल जाएगा हमको अंदर जाके उनका उन्होंने क्या सुजेशन दी है, सरकार उनकी सुजेशन मानती है नहीं मानती है। अगर उन्होंने सुजेशन ये दे दी कि पंजाब के लोग, मैं पंजाब से आया हूँ, पंजाब के लोग 70 शहीद हो गए और भी शहीद हो रहे हैं, तो उनका सत्कार को, कानूनों को रद्द कर दो, अगर उन्होंने बोल दिया सरकार चलती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो सरकार के हक में भुगतें आके तो उतना ही हमारे विरोधी हैं जितना सरकार विरोधी है, फिर तो हम उसको थोड़ा करेंगे। इसलिए हम यही देखने के लिए खड़े हैं, तो वो आए हैं, अगर हमारे हक में खड़ते हैं कानून रद्द करवाने के लिए, पंजाब के लोगों में पंजाब की तर्जमानी करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते सरकार के पक्ष में, सरकार के पाले में जाते हैं तो उतने ही विरोधी जिन्हें सरकार विरोधी है, तो इसलिए हमारा उससे कोई लेना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। परमेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमेंद्र जी एक और मीटिंग है, बार बार यहाँ आते हैं, कोई रास्ता निकलता दिख रहा? देखो जी सरकार की नीति साफ होगी फिर तो रास्ता निकल आएगा, यदि नीति साफ नहीं होगी फिर रास्ता कैसे निकलेगा। सरकार तो अभी थोड़ा एजिटेशन लंबा खिंचन लारे लप्पे वाली वो आ गई भी एजिटेशन लंबा हो जाए और एजिटेशन टूट जाएगा, पर सरकार को गलत फहमी है, जितना लंबा होता है उतना और तेज़ हो रहा है एजिटेशन, और तेज़ी बढ़ रहा है, दूसरी स्टेटों में भी लोगों को रोष जाग रहा, इस करके सरकार को अभी हमारी बात माननी चाहिए, हम तो यही बोलते हैं, अपील करते हैं। ऐसी जो खबरें आ रही हैं कि सरकार ये एक प्रपोजल रख दे कि स्टेट सब्जेक्ट बना दिया जाए, जहाँ जहाँ स्टेट को लगता है कि नहीं लागू करना है वो लागू ना करें, तो इससे तो आपकी चिंताएं कम हो जाएंगी, इससे बात बन जाएगी? हम बोलते हैं भी ये कानून रद्द कर दे, जिस स्टेट को जरूरत होगी वो बना लेगा कानून, एक कानूनों को रद्द करे, यदि किसी को जरूरत होगी स्टेट को वो बना ले, खेती बाड़ी स्टेट सब्जेक्ट है वो बना लेगा जिसको जरूरत होगी, केंद्र क्यों इंटरफियर करता है, पहले रद्द ही करने पड़ेंगे कानून, उसके बाद स्टेट को अधिकार दे दे भी जो चाहता है वो बना लेगा। इस प्रपोजल से बात नहीं बनी? ये प्रपोजल थोड़ा है, तो ऐसे ही वो गल्ला बता है, कोई प्रपोजल है तो कौन सी स्टेट है जो इनके बाहर जाती है, सभी इनसे डरती हैं। अच्छा ये जो डेरा नानक सर के मुखी ने मुलाकात की है और मध्यस्थता की बात उनकी तरफ से आ रही है, ये रास्ता निकल सकता है? हाँ कोई भी आदमी कोशिश करे, यदि कानून रद्द करवाने के लिए जो हमारी मदद करेगा या कोई भी गलबात करता है वो ठीक है ना, कानून रद्द मेन बात, कानून जो रद्द के नीचे कोई रास्ता नहीं निकलेगा। आज अंदर जाएंगे तो क्या कुछ बात करेंगे? मेन कानूनों से ही होगी बात, तो MSP पे शुरू करेंगे? MSP बाद में होगी, पहले कानूनों पे, फिर बाद में MSP पे गारंटी का कानून बनवाने की बात करेंगे। उम्मीद क्या करते हैं आप, क्योंकि आंदोलन बहुत लंबा खिंच गया, 1.5 महीना हो गया। देखो सरकार की नीयत साफ हो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो एक दिन में निपट जाता, अभी नीयत और नीतियों में थोड़ा फर्क है, सरकार की नीयत में फर्क है, नीयत साफ नहीं है मेन बात। तो ये परमिंदर जी थे जिन्हें आप सुन रहे थे, तो इस तरह से लगातार जो किसान नेता हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, कुछ और किसान नेता यहाँ आ रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने जा रही है, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो किसान आगू हैं वो पहुँचे हुए हैं और अपनी बात लगातार रख रहे हैं, और एक तरीके से उस पूरे विषय पर ये समझने की कोशिश है कि आखिर आज होगा क्या। सरकार के नए प्रपोजल को लेकर भी कोई बहुत ज़्यादा बात बनती हुई फिलहाल नज़र नहीं आ रही है, ऐसे में ये विषय जो है वो अभी भी जस का तस बना हुआ है, यानी कि इस मामले में कोई समझौता नहीं हुआ है। सर अंदर से जब भी आप आते हैं तो कहते हैं शायद अगली बार कुछ हो जाए, आज आपको क्या लग रहा है, खबरें आ रही हैं कि ऐसा प्रपोजल आ सकता है कि सरकार इसे कहे कि जिस स्टेट को लागू करना है वो कर दे? नहीं वेखो असी तो पहले दिन तो कहने भी सूबे का अधिकार है, तुहानू एक कानून अजिहे बनाने नहीं सी चाहिए, तुहानू चाहिए MSP दे उत्ते सारे घट्टो घट जिहड़ियां 23 चीज़ां दी तुसीं MSP बनाई आ उहनूं ते लागू करो, वह भी लागू नहीं कर रहा। सो इस करके हुण इहनू रद्द करके सूबियां नूं देण, फिर तो गल समझ आउंदी आ, ते जे कह देण सूबे करो इह भी कानून रहणगे, ये डुप्लीकेसी इहनूं असीं मन्नण नूं तैयार नहीं गे, इहनू रद्द करके
इनू रहन देन सूबे का विशा फिर असं सहमत होव। अच्छा इस तरह के प्रपोजल पे बात नहीं बनेगी अगर सरकार स्टेट पे छोड़ दे? नहीं नहीं ऐसी प्रपोजल नहीं, ऐसी प्रपोजल पहले इसको रद्द करके वैसे कह देने जी सूबे को कहनी वह की मतलब लिया ये स्टैंड रह जाएंगे मंडी तो उतरे रहेगी मंडी तो टुट गई साड़ी। हाँ धार्मिक संत हैं उनकी ओर से खबरें आ रही है कि वो मेडिएशन कर सकते हैं? नहीं जी एवं तुम सियाने आदमी जी असी नक तो मखा बहन नहीं देना बेच विचोला पैन नहीं देना असी वो धार्मिक है उन्होंने कदर करते पर इन्होंने यो गल जो उन्हें बाबे जी ने होना भी नहीं चाहिए उन वो तो एवं अपनी पॉपुलैरिटी लैन ली ना एवं सरकार की वो तो बंदे वो आ जिन्होंने उदन उत्थे जिहड़ा सीगा राम मंदिर बनाउण दे विच भी वो गए पाठ पूजा की। तो अच्छा रस्ता बीजेपी के खास बंदे वो असी अही मीडियम किसी नु भी नहीं मानते कोई बच्चे आवे सरकार सीधी गलबात करे ठीक है बात। आज पहले अंदर जाके क्या बात हो? पहले कानून रद्द करने की बात होगी। एमएसपी पे होगी पहले बात? नहीं 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 रद्द करते होगी एमएसपी सेकंड है ये पहला यही हो इसी पर। धन्यवाद। तो ये आपने सुना लगभग सभी किसान नेताओं को आप सुन रहे हैं किस तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ उनके जहन में है नए प्रपोजल को लेकर। लगभग लगभग सभी किसान जत्थेबंदी जो किसान नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि नया प्रपोजल उन्हें स्वीकार नहीं होगा। अंदर जाएंगे तो पहली बात होगी कानून रद्द करने पर सरकार ने क्या कुछ तय किया ये बताइए। सरकार की ओर से संकेत साफ है कि कानून रद्द नहीं होगा तो ऐसे में क्या एक और बेनतीजा बातचीत होगी? ये बहुत बड़ा सवाल अभी बना हुआ है, ये बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। किसान नेताओं ने धीरे धीरे अंदर जाना शुरू कर दिया है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब किसान नेता धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं और अब से थोड़ी देर में जो बैठक शुरू होगी तो हम समझेंगे कि आखिर क्या कुछ रास्ता निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात बनी हुई है जी। हरिंदर जी हमारे साथ जुड़ गए। हरिंदर जी आज की बैठक को लेकर कोई उम्मीद कर रहे हो? असी तो पूरी उम्मीद ना हरेक मीटिंग ते जाने हैं तो पॉजिटिव माइंड ना जाने भी सरकार नूं समझौता कर ले सरकार नूं कुछ अकल आ जाए सरकार समझ दे क्योंकि साढ़े पांच महीने असी गर्मी हंडाई आ सड़कां ते रेलवे ट्रैकां ते बैठ के और डेढ़ महीना सर्दी असी इत्थे हंडाई आ ते मियां हनेरियां दे विच असी इत्थे डटे हुए हाँ तो सरकार नूं पता लग जाए तो तिने कानून वापस लै लवे असी आपदे घरां नूं चले जावांगे नहीं तो रोज़ किसान मर रहे आ दो रोज़ एक दो लाशां साडियां जा रही ने 70 किसान साढ़े शहादतां प्राप्त कर चुके। कोई मेडिएशन का रास्ता है? एक वो धार्मिक संत लखेवाल जी उन्होंने मुलाकात की है और मेडिएशन की बात चल रही है? नहीं विचला रास्ता कोई नहीं है वो वापस करवा देने कानून लख जो है बाबा जी है संप्रदाय सम्मान जो उनका साढ़े पंजाब दे विच सत्कार योग ने बाबा जी साडा वापस करवा देन ते असीं घरां चले जावांगे। ये जो बात आ रही है कि इसे स्टेट सब्जेक्ट बना दिया जाए ऐसे प्रपोजल सरकार दे सकती है कि भाई स्टेट को लागू करना है तो उस पर डिपेंड मतलब उसको उसको अधिकार दे दिया जाए इससे रास्ता निकलेगा? नहीं वो प्रपोजल देखेंगे हमें क्या पता है कि क्या रास्ता निकालने वाली है फिर हम जथेबंदियाँ सारी मीटिंग करेंगे उसके बाद देख लेंगे क्या क्या रास्ता निकालना है। अंदर जाएंगे तो सर पहली मीटिंग पहली बात क्या होगी? एमएसपी पर चर्चा होगी या सीधा कानून वापस? सीधा पहला कानून पर चर्चा करेंगे जो कानून पर कोई बात बनती है फिर एमएसपी पर हम चर्चा करेंगे। उम्मीद कर रहे हो सर? उम्मीद तो पूरी है उम्मीद तो है। धन्यवाद। तो सभी किसान आगुओं को आप सुन रहे हैं किस तरीके से वो बता रहे हैं कि क्या कुछ अंदर चर्चाएं रही हैं क्या कुछ और क्या कुछ अंदर होने जा रहा है लेकिन संकेत लग रहे हैं कि शायद नया प्रपोजल स्वीकार ना हो नए प्रपोजल पर कोई बात बने ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है ये साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू होने जा रही है और उसके बाद हम ये देखेंगे क्या कुछ होगा। अभिमन्यु ये बताइए कि ये जो खबरें आ रही हैं कि ऐसा कोई प्रपोजल सरकार दे कि इसको स्टेट सब्जेक्ट बना दिया जाए या स्टेट के अधिकार में दे दिया जाए तो क्या उससे बात बनेगी? नहीं उससे कोई बात नहीं बनेगी क्योंकि जब 2014 में लैंड बिल आया था तो उस समय भी जब राज्यसभा में गिर गया था किसान संगठनों के विरोध के कारण तो फिर उसको ये भाजपा की सरकार ही उस समय थी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको स्टेट पे छोड़ दिया और प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी जहाँ जहाँ पे भाजपा की सरकार थी और उनको बैक गेट से राज्य सरकारों ने उनको लागू कर दिया तो मतलब किसानों का शोषण तो वही हो रहा है ना जो पहले हो रहा था तो इसीलिए प्रपोजल स्वीकार नहीं ये प्रपोजल स्वीकार नहीं है। और वो इसलिए भी एक महत्वपूर्ण बात ये है अब यदि आज हमें तो आपके माध्यम से ही पता चल रहा है कि सरकार ऐसा प्रस्ताव दे सकती है सरकार ऐसा प्रस्ताव देती है तो हमारा भी एक काउंटर सवाल होगा कि यदि आज आप ये कह रहे हैं कि इसको राज्यों पे छोड़ दिया जाए तो ये बात तो हम पहले दिन से कह रहे थे कि कृषि आपका विषय ही नहीं है कृषि तो राज्य सरकारों का विषय है तो आप जो कानून लेके आए वो गैर संवैधानिक है आप लेके ही क्यों आए थे आप जब आप लेके आए हैं तो आपको ही उसको वापस लेना पड़ेगा उसके क्या आज क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए हम तो हमेशा आशावान रहते हैं गेंद सरकार के पाले में है
हम चाहे हमसे एक बार कहलवाया जाए या 1000 बार कहलवाया जाए, हमारी बात वही रहेगी। तीनों कृषि कानून रद्द करो, MSP गारंटी कानून लागू करो, उससे नीचे किसी भी सूरत में कोई भी समाधान नहीं निकलेगा। कोई रास्ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु कुहाड़, आप सुन रहे थे कोई रास्ता नहीं है। सभी किसान नेता ये कह रहे हैं, कुल मिलाकर जो स्थिति है वो आप समझ सकते हैं, यानी कि फिलहाल रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आज की बैठक में अंदर क्या इस प्रपोजल पर कोई चर्चा संभव है, ये देखने वाली बात रहेगी। अब से कुछ ही देर में कृषि मंत्री, रेल मंत्री और राज्य मंत्री सोम प्रकाश वो भीतर होंगे और उसके बाद अंदर चर्चा शुरू होगी। तो इसके मायने बहुत ज़्यादा हैं कि क्या कुछ रास्ता निकल कर सामने आ पाता है। तो हम इस विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान रिपील पर कायम है। एक एक किसान को आपने सुना जो बार बार ये कह रहे थे कि इससे कम कुछ मंजूर नहीं है, इससे कम पे बात नहीं बनेगी, ये विषय लगातार बना हुआ है। और इसी तरीके से ये मामला अभी तक हम देख पा रहे हैं कि एक एक किसान नेता यही इसके बारे में कह रहे हैं। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, थोड़ी देर में हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से ये जो पूरा मामला है इस पर एक एक किसान नेता क्या कुछ कह रहे हैं, उनके जहन में क्या है और इसमें क्या कुछ रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है।